हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है सेफ अहेड में। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा, हमारा एक न्यू सीरीज चल रहा है अभी, फेलोशिप की कहानी, फेलो की जुबानी। तो इसमें हम फिर से एक बार जुड़े हैं। आज हमारे साथ है हरिओम, जो कि एक गांधी फेलो है, और मैं सरस्वती, मैं भी एक गांधी फेलो हूँ। तो हम लोग आपसे बातचीत करेंगे। ये शो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो नेक्स्ट बैच अपकमिंग जो गांधी फेलोशिप के लिए सिलेक्ट हुए हैं, एंड ऐसे बच्चे जिनका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू क्लियर हुआ है या फिर सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू क्लियर हुआ है, और उनके मन में कोई डाउट्स है फेलोशिप को लेकर, जो कि फेलोशिप के वेबसाइट में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उसके अलावा और फेलोशिप में क्या क्या चीजें हैं, तो वो आज हम बताने की कोशिश करेंगे। तो नमस्ते हरिओम जी। नमस्ते नमस्ते। तो आप क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपके बारे में, मतलब आपका नाम, आप कहाँ पे लोकेटेड है, बाकी सारी चीजें? तो मेरा नाम हरिओम प्रसाद चौरसिया है। मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और मैं अभी गांधी फेलो बैच 14 का कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में स्टेट में मैं एज ए गांधी फेलोशिप काम कर रहा हूँ फेलो के रूप में। तो मैं सोशल बैकग्राउंड से आया हुआ, मेरे जो क्वालिफिकेशन है मास्टर ऑफ फिलॉसफी इन सोशल वर्क से, और मैं काफी 2018 से सोशल सेक्टर में काम कर रहा हूँ और 2020 से मैं गांधी फेलोशिप ज्वाइन किया हूँ। और अभी मैं छत्तीसगढ़ में एक प्रभावित एरिया लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और बहुत यहाँ पे हम एक आकांक्षी जिला कोंडागांव में बहुत अच्छे से गांधी फेलोशिप कर रहे हैं। जी, तो मैं आप सभी के लिए बता दूं कि मैं सरस्वती, मैं बेसिकली कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और अभी मैं डीटीपी प्रोग्राम में वर्क कर रही हूँ एज अ गांधी फेलो इन गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट। ठीक कह रही हूँ? तो आगे हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन से लेकर सिलेक्शन तक की फेलोशिप की जर्नी कैसी है? तो सिलेक्शन की बात करें तो पहले मैंने जब मैं मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर रहा था तो अपने सीनियर के साथ एक उनके थ्रू हमें गांधी फेलोशिप को पता चला था कि गांधी फेलोशिप है। तो हमने उनके सहयोग से मैंने गांधी फेलोशिप को अप्लाई किया था। देन फिर हमारा हमें इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया गया, तो जिसमें हम खींच के लिए इंटरव्यू दिए थे 2019 में जब कोविड नहीं था। तो फिर हमने उसमें पिच के लिए लखनऊ, और मेरा कैपिटल है उत्तर प्रदेश का, जिसमें हम जाके 3 प्रोसेस में कि पहला साइकेट्रिक टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन हुआ और फिर पर्सनल इंटरव्यू हुआ, जिसमें हम 3 प्रोसेस किए इंटरव्यू को लेके। फिर देन हमारा कुछ समय बाद ऐसा मेल आता है कि हम सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन 2019 के बाद कोविड जैसा सिचुएशन आ गया तो हम लोग गांधी फेलोशिप को 1 साल के लिए स्टैंड कर दिया गया था। लेकिन हम सोशल वर्क बैकग्राउंड से थे तो हमें उनका जो कैंपेन एक चला कोविड में सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, उसमें एज ए वॉलेंटियर मैंने काम किया। फिर देन मैं एक ये जो अभी पूरे 112 डिस्ट्रिक्ट में एडीसी प्रोग्राम चल रहा है, तो उस समय एक माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संसदीय क्षेत्र वाराणसी है उसमें एक सेवापुरी ब्लॉक है जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया था। तो वहाँ पे एडीसी प्रोग्राम को एज ए कोविड में ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू लॉन्च किया गया जो 8 महीने का था। तो मैं ऑनलाइन सपोर्ट कर रहा था वहाँ पे एज ए वॉलेंटियर, और एडीसी प्रोग्राम को जहाँ जिस जब शिक्षा बंद था, स्कूल बंद था, लोग बाहर निकलने के लिए डरते थे, तो हम लोग ऑनलाइन के माध्यम जी, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, तो हम वहाँ पे वॉलंटियर जनरेट करके बच्चों को उनके घर तक एक मोहल्ला क्लासेस के रूप में चलाकर उनको शिक्षा देने का कार्य निरंतर कर रहे थे। तो देन फिर हम लोग 2021 में फिर से गांधी फेलोशिप ज्वाइन किया। फिर हम लोग लोकेशन हमको मिला और लोकेशन आके फिर हम लोग फिर से खिंच के लिए डिस्ट्रिक्ट में काम करना शुरू किया।
बाकी लोगों से अलग थोड़ी बहुत लंबी जर्नी आपकी फेलोशिप में सिलेक्शन की। चलिए कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा हम अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आपका सिलेक्शन हो गया, तो जैसे आपको बोला गया कि आपको लोकेशन अलर्ट किया एंड लोकेशन ज्वाइन कर लिया, तो फिर उसके बाद स्टार्टिंग में इनिशियली क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े आपको, जैसे कि घर देखना हो, बाकी सारी चीजें अरेंज करनी हो, कैसे हुआ? तो जैसे हम लोग लोकेशन पे आए, तो लोकेशन पे हर जगह एडमिन होते हैं जो हमें रूम के लिए और जो भी वस्तु हमें जरूरत होती है तो वो सब परचेस करने के लिए हेल्प करते हैं हमें, जिससे हमें असुविधा ना हो। तो एडमिन टीम हमसे पहले पहुंचती है, सब कुछ जो भी फेलो आते हैं उनकी क्वेरीज को लेके, उनकी नीड्स को लेके तो हेल्प करते हैं। ज़्यादा चैलेंज नहीं आता है, लेकिन बट यदि हम एक नए प्लेस पे, एक नए स्टेट में जाते हैं तो थोड़ा चैलेंज को फेस करना ही पड़ता है, क्योंकि लाइफ चैलेंज से ही आगे बढ़ती है। तो इसके साथ ही मुझे ये बताइए कि आपका इंडक्शन कैसे हुआ था? क्या आपका इंडक्शन ऑनलाइन हुआ या आपको बूट कैंप, मतलब जैसे आप PSL वगैरह गए तो वैसे ही आप गए? नहीं, इंडक्शन जो है ऑनलाइन हुआ था। लोकेशन पहुंचने के पहले 15 डेज का ऑनलाइन इंडक्शन हुआ था हम लोग का। फिर देना जब हम लोकेशन पे पहुंचे तो सिचुएशन ठीक हुआ कोविड को लेकर, क्योंकि कोविड चल रहा है तो सिचुएशन को देखते हुए फिर हमारा फिजिकली भी इंडक्शन हुआ 3 डेज के लिए। और फिर हम सारे फेलो एक साथ मिले जो अलग अलग स्टेट, अलग अलग एजुकेशन के साथ और अलग अलग माइंड सेट के साथ आते हैं फेलोशिप में, तो उनके साथ हम एक साथ मिले और सबके साथ एक नए सारे माइंड सेट को एक साथ लेकर फिर हम लोग फिर अपने अपने लोकेशन नए एनर्जी के साथ काम के लिए शुरू किया। जी बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ कि स्टार्टिंग में क्या इमोशन रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये जानते हैं कि अब जब बाकी सारी चीजें सेटल हो गई तो फिर आपने आगे अपना वर्क स्टार्ट किया होगा, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, इनिशियली क्या हुआ? तो जैसे अभी जब हम किसी नए डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो सबसे पहले हम जैसे छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं और अदर कहीं कहीं DM होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, तो पहले तो जो उन्हीं से हमें परमिशन लेना होता है कि हम डिस्ट्रिक्ट में आपके आए हैं, काम करना चाह रहे हैं, तो एक अपना इंट्रोडक्शन देना, मीट करना और आपको एक लेटर लेना कि हम आपके डिस्ट्रिक्ट में सेफ्टी को लेके और चैलेंज को लेके उनसे डिस्कशन करते हैं कि हम नए प्लेस पे हैं, नया एरिया है, तो हम लोग उनके साथ डिस्कशन किए, फिर सारे स्टेक होल्डर से मीट किए, यहाँ के जो क्या इस लोकेशन का लेके, एरिया को लेके क्या है, हमें चैलेंज कौन कौन सा आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये सब स्टेक होल्डर से लेके बात करना, अनेक अनेक डिपार्टमेंट में जाना, अपना इंट्रो देना और अब मैं किस गोल और किस माइंडसेट से यहाँ पे आया हूँ उनको उसकी क्लियरिटी देना, तो ये हम सबसे पहले करते हैं। जी, तो जैसे कि हरिओम आपने बोला कि आप एक ADC थे, तो हमें और थोड़ा क्लियरिटी दीजिए कि ADC प्रोग्राम क्या है और इसमें आप क्या आपको वर्क करना होता है, और ये अदर जो कोई DPT हो, बाकी जो प्रोग्राम्स है उससे थोड़ा अलग कैसे? ये जो ADC प्रोग्राम है, इसके पहले DTP प्रोग्राम चल रहा था, अभी चल रहा है, तो ये जो ADC प्रोग्राम है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से अलाइनमेंट, पूरा डिस्ट्रिक्ट स्टेक होल्डर से अलाइनमेंट लेके चलना होता है, जो इसमें जो हमारे 112 आकांक्षी जिला जो घोषित हैं उनसे लेके ये ADC प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है कि हम कैसे कोलाबरेशन और कन्वर्जेंस और इंटीग्रेशन को लेके काम करें, कि लोगों से साथ जुड़कर और
स्टेक होल्डर एनिंग डिपार्टमेंट के साथ अलाइनमेंट करके उनका सहयोग लेके और फिर उसी प्रोग्राम को हम ग्राउंड लेवल पे ले जाके इम्प्लीमेंट करें और फिर एक बेहतर रिजल्ट हमें मिल सके। तो ये एडीसी का जो तीन पिलर पे लेके काम कर रहे हैं, तो ये एडीसी प्रोग्राम जो मोटा मोटा जो इसका है वो है। तो मैं बाकी स्टूडेंट्स को बता दूं कि ज्यादातर जिलों में एडीसी प्रोग्राम चलता है, बट कुछ कुछ जगह पे क्या है कि कुछ अलग प्रोग्राम्स चलते हैं, जैसे कि डीपीपी हो, एसएलडीपी हो। तो इसमें क्या होता है कि डीपीपी में मेनली डिस्कस का ये है कि डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, इसमें मेनली फोकस किया जाता है कि सिस्टम स्ट्रेंथनिंग पर, देन कम्युनिटी पर, एंड हम इनसे जुड़कर कैसे SLO इम्प्रूव करें, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, तो इस पर फोकस किया जाता है। तो एक जिले में फेलोज अलॉट किए जाते हैं एंड वो ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ये है। एंड अगर उसके साथ ही मैं SLDT के बारे में बताना चाहूँ तो एक फेलो को 5 या 6 स्कूल मिलते हैं और उनको पूरा स्कूल को डेवलप करना होता है अपने स्टेक होल्डर के साथ। तो एक मोटा मोटा ओवरव्यू है। तो ठीक है हरिओम, आपने एडीसी के बारे में तो बता दिया आपने। आगे हमें ये जानना है कि स्टार्टिंग में जब आपने काम स्टार्ट किया होगा तो आपको बहुत सारे मतलब डाउट्स रहे होंगे, अनसर्टनिटीज रही होंगी काम को लेकर, आपके रोल को लेकर, क्योंकि जब आप इंट्रोड्यूस करते होंगे अपने आप को तो आपको बहुत लोग पूछते होंगे कि आप एग्जैक्टली क्या काम करते हैं। तो मुझे लगता है फर्स्ट सेमेस्टर में तक आपको थोड़ा अलग अलग जगह पे जाके अपने काम को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो इसमें मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आपके जो इनिशियली आपके PL हो और आपके जो एडमिन है, इन लोगों ने आपको कैसे सपोर्ट किया स्टार्टिंग में? जैसे कि आपने शुरू में ही मैं बताया कि हम जब लोकेशन पे आते हैं रूम को लेके, हमारे नीड्स को लेके, हमारे गुड्स को लेके, तो हमारे एडमिन सपोर्ट करते हैं और जो हमारे पीएल होते हैं वो हमारे काम को लेके हमें स्टेक होल्डर तक लेके जाना, और जो हमारे कोलाबोरेशन में हमारे मदर NGOs होते हैं उनके साथ हमारा इंट्रो करवाना, और फिर जो चैलेंज आना कैंपेन को डिजाइन करना, कैंपेन को कैसे स्टेक होल्डर से लेके ग्राउंड तक इम्प्लीमेंट करना और स्टेक होल्डर से रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये सब हमारे PL हमें सहयोग करते हैं। और हमारे सेल्फ ग्रोथ के लिए क्या हो सकता है, हमें हमारी लर्निंग कहाँ हो रही है, हमें चैलेंज कहाँ आ रहे हैं, ये सारा रोल एक PL का एक फेलो के रूप में होता है, फेलो को लेके होता है। जी, तो अपने अभी हमें बताया कि PL क्या क्या रोल होता है, तो थोड़ा सा और हम जानना चाहते हैं कि एज ए गांधी फेलो आपका क्या रोल होता है? मेरा जो है एज ए गांधी फेलो जो रोल है कि हम अपने कैंपेन को डिजाइन करना, जो भी हमें कैंपेन है हम चला रहे हैं तो उसको स्टेक होल्डर के साथ, चाहे वो ब्लॉक लेवल हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या पंचायत लेवल हो, उनको अच्छे तरह अलाइनमेंट कराना और अलाइनमेंट करा के ग्राउंड में लेके जाना, ग्राउंड तक जाना और ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करना, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे लाइवलीहुड हो, वाटर, जो भी हो, गांधी फेलो एक रोल मॉडल के रूप में आते हैं और वो अपने अलग माइंडसेट और अपने अलग थॉट को लेके आते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज से, अलग अलग स्टेट से, तो अपने आइडिया को डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपने रोल बता दिया, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि एक गांधी फेलो का डे फ्लो क्या होता है, कितने घंटे वो काम करते हैं, वीकली कितने दिन उसको काम करना होता है? जो एक गांधी फेलो का डे फ्लो होता है, वैसे तो गांधी फेलो मतलब 14 घंटा हम लोग को काम करने के लिए बोला जाता है, जिसमें ये नहीं है कि हम फील्ड पे ही वर्क करेंगे। तो हमारा जो एक डे फ्लो होता है कि हम सुबह उठना, एक मेडिटेशन, न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर स्टडी, सेल्फ स्टडी, और उसके बाद डिस्कशन, पीयर डिस्कशन फेलो के साथ, फिर हम जो हमारा डे फ्लो में फील्ड वर्क होता है
जिसमें हम फील्ड पे 5 hours के लिए जाते हैं, जिसमें हमारा ट्रेवल्स भी उसी में रहता है कि हम इतने टाइम में जाएंगे भी, फील्ड पे विजिट भी करेंगे और फिर रिटर्न हम रूम पे आते हैं। तो एक जो गादी फेलोशिप का सबसे बड़ा और सबसे बड़ी लर्निंग का प्रोसेस होता है, जो इम्पोर्टेंट है, डिब्रीफ। वो हम डिब्रीफ सारे फेलो और पीयर पीएम तो मिल के करते हैं। तो जैसे जहाँ पे फिजिकली है तो फिजिकली मिलके मीट करते हैं, नहीं तो हम लोग ऑनलाइन या गूगल मीट के द्वारा, टीम मीट के द्वारा तो हम लोग ऑनलाइन करते हैं, जिसपे हम लोग अपना डे फ्लो का जो भी वर्क हुआ है, जो चैलेंज हुआ है, जो लर्निंग हुई है, तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म में मिल के डिस्कशन करते हैं। उसका कोई टाइम नहीं होता है, टाइम 1 घंटे 2 घंटे भी कर सकते हैं। फिर हम कि अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम लोग डिस्कशन करते हैं, जिसमें हमारा हम लोग अपडेटिंग होता है, रिपोर्टिंग भी होता है, उसी रिफ्लेक्शन भी करते हैं कि हम पूरे दिन क्या काम किए, क्या नहीं किए, हमारी लर्निंग क्या रही, तो रिफ्लेक्ट भी करते हैं और रिफ्लेक्ट करवाते भी हैं एक दूसरे से। तो ये हमारा जो वीक में है, तो मंडे टू सैटरडे हम लोग काम करते हैं। ये हमारा जो है एक गादी फेलोशिप का जो प्रोसेस, वर्क प्रोसेस। जी हरिओम। तो मंडे टू सैटरडे आपने कितनी फील्ड विजिट आपको करनी पड़ती है और कितना आप ऑफिशियल वर्क करते हैं, जैसे कि आपने रिपोर्टिंग के बारे में भी बोला। तो फील्ड वर्क नीड्स के हिसाब से होता है, कभी हम लोग 4 days कर लेते हैं, कभी 5 days कर लेते हैं। और ऑफिस की है तो ऑफिस में हम लोग इवनिंग में भी जा सकते हैं, या बहुत सारे नीड्स हुआ तो हम लोग किसी दिन फील्ड पे ना जाके ऑफिस में ही, ऑफिस वर्क है, रिपोर्टिंग है, कुछ डाटा को लेके है, तो हम लोग ऑफिस में भी बैठ के काम कर सकते हैं। तो आगे बढ़ना चाहूंगी तुम कि जैसे आपने अपना बताया कि कुछ फील्ड वर्क होता है, कुछ ऑफिशियल वर्क भी होता है, तो कौन कौन से स्टेक होल्डर के साथ आप काम करते हैं? जिसमें स्टेक होल्डर हमारे ब्लॉक लेवल के भी होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो हमारे स्टेक होल्डर होते हैं, जिसमें हमारे डीसी तो होते ही हैं, उसके बाद सीओ होते हैं पंचायत लेवल, जिला पंचायत लेवल पे, और एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट होता है हमारे साथ, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, और ICDS डिपार्टमेंट है, और उसके बाद लाइवलीहुड डिपार्टमेंट और जल जीवन मिशन डिपार्टमेंट। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ हम लोग अलाइनमेंट करते हैं, और फिर हम उनके साथ नीड्स के हिसाब से हम उनके साथ कन्वर्जेंस करना और उनके प्रोग्राम को क्लियरिटी ले लेना, प्रोग्राम की क्लियरिटी लेके हम ग्राउंड तक कैसे उनका हेल्प कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो ये हम स्टेक होल्डरों के साथ मिलके काम करते हैं। जी बिल्कुल। तो स्टेक होल्डर के साथ काम करते हुए या फिर फील्ड पे काम करते हुए आपको अभी तक क्या लगता है कि ऐसा कौन सा वर्क है जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है करते हुए, और कौन से वर्क करने में आपको बहुत चैलेंज फेस होता है? इंटरेस्टेड की बात कहें तो इंटरेस्टिंग तो हमें स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, जो एक बहुत ADC का सबसे बड़ा जो लेकिन कॉन्सेप्ट आया ADC का, तो वही है कि हमें उनके साथ मिल के अलाइनमेंट करना, स्टेट लेवल को प्रोग्राम को कैसे हम ग्राउंड तक कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो चैलेंज की बात कहें तो चैलेंज तो ग्राउंड में होता ही है, चैलेंज नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। तो चैलेंज को के लिए ही हम आए हैं, ग्राउंड में रहता है, लेकिन चैलेंज कठिन भी नहीं है यदि हम सॉल्व करना चाहें तो। जैसा इम्पॉसिबल इजकल टू आई एम पॉसिबल किया जाता है, तो ये हम चैलेंज को फेस करके स्टेक होल्डर से मिलकर चैलेंज को सॉल्व करते हैं। जी आपने सही कहा कि मुझे भी जब मैं फील्ड पे जाती हूँ तो अलग अलग लोगों से मिलती हूँ, कम्युनिटी के साथ मिलती हूँ, बच्चों के साथ, तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगता है। तो चैलेंज यही है कि अगर कोई वेलकम नहीं कर रहा आपका तो वो अनवेलकमिंग है कोई स्टेट पर, तो उसको पूरा अच्छे से समझाना, उसका माइंड सेट पॉजिटिव करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो स्टार्टिंग में हर एक फेलो को फेस करना हो
होता ही है, बहुत कम फिलोज है जो इससे बच पाते हैं। ठीक है हरिओम, तो आगे मैं ये जानना चाहती हूँ कि काम के बारे में तो बात, तो अभी थोड़ा सा छुट्टियों के बारे में भी बता दीजिए ताकि बच्चे थोड़ा रिलैक्स हो जाए कि सिर्फ काम ही करते हैं या थोड़ा छुट्टियाँ वगैरह भी मिलती है, कैसी होती है ये पॉलिसी? तो जैसे छुट्टियाँ की बात करें तो जो फेलोशिप 4 सेमेस्टर का होता है, 4 सेमेस्टर में, 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होता है, तो 2 सेमेस्टर, 1 सेमेस्टर में ब्रेक होता है, तो सेमेस्टर ब्रेक होने के बाद 10 दिन की लीव मिलती है फेलो को, जो एक साथ सभी फेलो को मिलता है, वो एक जो है नवंबर में हमें मिलती है, फिर देन हमें जून में मिलती है, उसके साथ वो मतलब 1 ईयर्स में हमारे 30 छुट्टियां होती हैं, जिसमें 10 हमारी मेडिकल लीव होती हैं और 10-10 जो है हमारा सेमेस्टर ब्रेक में मिलता है, तो ये छुट्टियां हैं। तो हरिओम, आपके साथ जब आप एज अ फेलो वर्क करते हैं तो कोई गर्ल फेलोज भी होंगे आपके लोकेशन पे या फिर आपके को फेलोज को, तो उनकी सेफ्टी का क्या, क्योंकि सेल्फ अरेंज्ड है, घर है, बाकी सारी चीजें करती है, तो जो गर्ल्स फेलोज है उनकी सेफ्टी के लिए क्या कुछ अलग से अरेंजमेंट्स है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि विदाउट सेफ्टी कोई बाहर नहीं जाएगा, तो जो हमारे फेलो गर्ल्स फेलो होते हैं उनकी पूरी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए उनको लोकेशन पे दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एडमिन होते हैं, एडमिन पहले जाके पूरी सेफ्टी को देखते हैं कि कहाँ पे रहना है और कैसे रहना है और किस किस स्टेक होल्डर्स उनको सेफ्टी दिलाया जा सकता है, तो ये सब बातें किया जाता है। और सेफ्टी गाड़ी फेलोशिप में सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा मुझे लगता है वो सेफ्टी ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेफ्टी पे ही ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अलग अलग डोमेन, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग चैलेंज जगह पे हमारे गर्ल्स फेलो और बॉयज फेलो भी हैं वो आते हैं, इसलिए सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अभी वर्क के बारे में तो हमने जाना, बट जो फेलोशिप में अलग अलग प्रोसेसेस रहती है, आपने डीडीप के बारे में भी मेंशन किया है, तो मैं जानना चाहती हूँ डीडीप के बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, बूट कैंप आपका हुआ है तो उसका एक्सपीरियंस क्या है, कम्युनिटी इमर्जन आपका हुआ है उसके रिगार्डिंग आप क्या बताना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें। तो पहले डीब्रीफ जो है, तो डीब्रीफ हम एक पीयर लर्निंग के रूप में देखते हैं, और जो अलग अलग माइंडसेट के फेलो एक साथ मिल के एक नया आइडियाज को लेके, एक नया प्रोग्राम को लेके डिजाइन करके, और उसको कैसे ग्राउंड लेवल तक इंप्लीमेंट करना है और कैसे स्टेक होल्डर को अलाइनमेंट कराना है, तो ये सब एक डीब्रीफ का प्रोसेस है। जो बूट कैंप है, तो बूट कैंप हम जोन वाइज करते हैं, अभी हम लोग कोविड के बाद कारण भी हम लोग मिले हुए थे बूट कैंप, जो एक पिरामल लीडरशिप ऑफिस स्कूल है झुंझुनू राजस्थान में, तो वहाँ पे सारे फेलो जोन वाइज 2 से 3 स्टेट वहाँ पे जाते हैं, मिलते हैं, और जो 7 डेज से लेके 10 डेज तक एक बूट कैंप होता है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस और बहुत सारी लर्निंग और अलग अलग डोमेन से अलग अलग आइडिया से आए हुए फेलो अपने थॉट को, अपने आइडिया को प्रेजेंट करते हैं, और उस आइडिया को सभी फेलो एक साथ लेते हैं, बात करते हैं क्या उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है और वो किस किस चैलेंज को फेस करके क्या सक्सेस हासिल की है, तो ये सब शेयर होता है, और फिर नए फेलो उन सारे फेलो का आइडियाज और थॉट को लेके एक नए माइंडसेट के साथ फिर लोकेशन जाना और फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करना, और जो कम्युनिटी इमर्जन जिसको CII हम लोग बोलते हैं, ये गादी फेलोशिप का बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जो है ना, एक प्रोसेस है ये, जिसमें हम लोग एक पूरे फेलोशिप जर्नी में 2 से 3 कम्युनिटी इमर्जन करते हैं, जिसमें हम 24 से लेके 30 डेज तक हम कम्युनिटी में जाके रहना, और चाहे वो जिस टाइप का कम्युनिटी हो, वह जैसे
अब जैसे मैं छत्तीसगढ़ में हूँ तो थोड़ा ट्राइबल कम्युनिटी है यहाँ पे, उनका अलग कल्चर, उनकी अलग रहना, अलग खाना, तो सब कुछ डिफरेंट होता है। तो वहाँ पे उनके साथ रहना, उनके कल्चर को जानना, उनके जिस हिसाब से वर्क करते हैं और क्या क्या चैलेंज वो फेस करते हैं अपने लाइफ में, तो ये सब जानना। और उनको जब हम कम्युनिटी इमर्जन करने जाते हैं तो ये एक फेलो के रूप में नहीं, जब हम जाते हैं तो एक मेंबर के, मतलब एक परिवार के रूप में जाते हैं और परिवार के रूप में रहते हैं। जो भी वो वर्क करते हैं उनके साथ वर्क करना, और जो भी खाते हैं उनके वही खाना, जिस तरह से वो सोते हैं उसी तरह से मैं भी, हमें भी सोना होता है, रहना होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जर्नी भी है और एक लाइफ का बहुत बड़ा मेमोरीज होता है कम्युनिटी इमर्जन, जो आप एक बार करते हैं तो फिर वो पूरी लाइफ याद रखा जाता है। तो हम लोग भी अभी बहुत जल्द कम्युनिटी इमर्जन किए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लर्निंग भी रहा है, एक्सपीरियंस भी रहा है। और हम लोग सोचते हैं कि हर जब भी मौका मिले तो हम लोग कम्युनिटी इमर्जन जरूर करें। जी बिल्कुल। हमारा अभी तक कम्युनिटी इमर्जन नहीं हुआ है रूम, बट होने वाला है कुछ नेक्स्ट कुछ महीनों में। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी बातें सुन के कि मुझे भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिले। और बाकी बच्चों का मैं बता दूँ कि कम्युनिटी इमर्जन में आपको एक कम्युनिटी में घर ढूंढना होता है, और वहाँ पे आपको कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं दी जाती है। आपको जो भी उनके घर में ही खाना है, आपके सारे अरेंजमेंट आपको वहीं से करनी है। अगर वो परिवार खेती करता है या कोई अदर ऑक्यूपेशन करता है, तो आपको भी वही उनके साथ करना है और उनकी फैमिली का एक मेंबर बन के वहाँ पे रहना होता है। और रही बात आपके सेफ्टी की, तो आपके जो एडमिन है या फिर पीएल है, वो आपके साथ आते हैं या फिर बीच में भी एक बार आप विजिट करते हैं कि आप सही से रह रहे हो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपने जो घर चूज किया है वो सही है। गर्ल्स के बारे में भी बहुत ध्यान रखा जाता है। और बूट कैंप के बारे में और चीजें अगर मैं बताऊं, मैंने भी बूट कैंप किया हुआ है। तो बूट कैंप एक बहुत ही अच्छी जर्नी होती है। हर एक फेलो का एक ड्रीम होता है कि वो पिरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप बहुत बड़ा है, तो उसमें जाए, वहाँ पे रहे 7-8 दिन। अलग अलग फेलोज को, जैसे कि एजुकेशन डोमेन में कुछ फेलोज है, वाटर में है या फिर हेल्थ में है, वो फेलोज जोन वाइज आते हैं, बट अलग अलग फेलो के साथ इंटरेक्शन होता है। बच्चों को लगता है कि हमने बहुत चैलेंजेस फेस किए, तो वो एक दूसरे के चैलेंजेस हो, एक दूसरे के सक्सेस स्टोरीज हो, सबके इंस्पायर होते हैं, अलग अलग आइडियाज लेते हैं। तो वहाँ पे आपको पूरा कंसोलिडेशन करना पड़ता है कि आपने 6 महीने की जो आपकी जर्नी है वो आपकी कैसी गई है, 6 महीना हो या फिर 1 साल। तो पूरा गैलरी वॉक के थ्रू आपको दिखाना होता है। आपके पीएल होते हैं, आपके पीएम होते हैं, प्रोग्राम डायरेक्टर होते हैं, तो वो सब देखती है। तो वो एक बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। हरिओम, शायद आपने भी महसूस किया हो कि जो काम हमने किया बिल्कुल है वो हम प्रेजेंट करें और वो लोग देखे, तो वो बहुत ही खुशी की बात होती है। तो इस बार जो बूट कैंप हुआ, उसमें हमारे इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान को, हमारे फ्यूचर गोल अगर हमने डिसाइड नहीं किया है, तो उसपे कुछ बहुत सेशंस हुए कुछ दिन तक, कि हम इस तरह कैसे हुए कि हम अपना प्लान आगे का डिसाइड कर पाए, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर पाए, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पीएल के साथ हम बैठ के हमारा इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान रेडी करें। तो जो होता है कि फेलोशिप जो है वो फेलोज पे भी फोकस करती है, तो वो इस तरीके से फोकस करती है फेलोज पे। तो ये रही ये बात। तो फिर हरिओम, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो सारी बातें हो गई है, तो बस मुझे बस ये जानना है आपसे कि अभी हम थोड़ा स्टाइपेंड के बारे में, बाकी अलाउंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो कितना स्टाइपेंड मिलता है एडीसी को, फिर मैं डीटीपी का भी बताऊंगी आपको। अच्छा, तो जो एडीसी का स्टाइपेंड है वो अभी सेल्फ मैनेजमेंट होने के कारण 24,500 हो गया है। पहले 16,500 मिलता था जब सेल्फ मैनेजमेंट नहीं हुआ था,
जो है इन हैंड हमें अभी 17,500 रुपये मिलते हैं, जिसमें हमारे 7,500 हमारा जो हमारा स्टाइपेंड होता है, 10,000 हमारा सेल्फ मैनेजमेंट के लिए मिलता है, जिसमें हम रूम रेंट हुआ, वाटर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, और हमारे जो भी अलग अलग जैसे हम फील्ड पे जाते हैं हमारे फ्यूल भी इसमें इंक्लूड रहते हैं। तो इन 10,000 इसलिए मिलता है कि हम अपने जब हम जिस लोकेशन पे रह रहे हैं तो उसको सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। तो फूडिंग को नहीं मिलता है, जिस जो 7,000 हमारा स्टाइपेंड होता है 7,500, तो उसमें हम फूडिंग हमारा सेल्फ का होता है कि हम अरेंज करना होता है। तो मतलब 24,500 होता है एक फेलोशिप का जो स्टाइपेंड है, लेकिन वो इन हैंड हमें 17,500 मिलता है। और जो हमारा 7,000 सेव होता है वो हम जब हम अपनी फेलोशिप जर्नी को कंप्लीट कर लेंगे 23 मंथ में, तो फिर हमें वो मिलता है, जिससे कि क्या होता है कि एक फेलो जब एक फेलोशिप जर्नी के बाद कंप्लीट करे तो कुछ ना कुछ मनी उसके पास रहे कि जैसे उस फ्यूचर में चैलेंज को ना ज़्यादा फेस करना पड़े। तो ये एक स्टाइपेंड के रूप जो मिलता है। तो बाकी अलाउंसेस के बारे में कुछ बताएंगे कि और कुछ बेनिफिट मिलते हैं इसके अलावा? इसके अलावा जैसे हम हमारे जो प्रोसेस गांधी फेलोशिप के प्रोसेस को एक कमिटी जैसे बूट कैंप हुआ या फिर वर्कशॉप हुआ या हमें किसी लर्निंग के लिए जाना हुआ, तो ये हमें पिरामल फाउंडेशन के द्वारा ट्रेवल्स को लेके फूड को लेके ये प्रोवाइड किया जाता है। जैसे हम जो हमारा गांधी फेलोशिप है सबसे अच्छा इसमें है कि बात की जाती है तो फैलो के ग्रोथ को लेके, फैलो के ग्रोथ को लेके जैसे कुछ स्टेशनरी मटेरियल की जरूरत होती है तो वो भी गांधी फैलो को स्टेशनरी जो है पिरामल फाउंडेशन के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है जो रिम्बर्समेंट होता है, तो हम स्टेशनरी को लेकर रिम्बर्समेंट करा सकते हैं। ये जो है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना कि एडीसी में सेल्फ मैनेजमेंट है, तो इसलिए हरिओम को कितना स्टाइपेंड मिलता है, उसको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि आपने वेबसाइट पे भी देखा होगा अलग अलग प्रोग्राम से डीटीपी है सेल्फ, तो जैसे कि मैं एक डीटीपी फेलो हूँ तो मैं इसके बारे में भी क्लैरिटी देना चाहती हूँ आपको, ताकि आप कोई कंफ्यूजन में ना रहे। अभी नेक्स्ट ईयर से वर्चुअली में भी एडीसी मॉडल हो जाएगा, बट अभी फिलहाल जो है मैं वो बता देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सेल्फ मैनेजमेंट में, यहाँ पे जैसे कि आपने वेबसाइट पे भी देखा होगा या फिर पहले कुछ फेलोज की वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, वैसे ही है कि एडमिन हमें घर देके देते हैं। घर में सारी चीजें फर्नीचर से लेकर आपके किचन के बर्तन हो, गैस सिलेंडर हो, आपका बाकी सारी जो चीजें हैं वो सब कुछ एडमिन अरेंज करके देते हैं आपको। पूरा ऐसा घर आपको मिलता है कि जहाँ पे एक इंसान अच्छे खासे से रह सके, कोई भी चीज की जरूरत नहीं होती है, सब मिलता है आपको। जैसे आपके घर में सारी चीजें होते हैं ना, वैसे ही एक घर मिलता है आपको पूरा। तो और उसी के साथ ही बाकी स्टाइपेंड के बारे में बात की जाए तो हमें स्टाइपेंड मिलता है 18,800, उसमें से जो है 7,000 जैसे कि हरिओम ने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन के पास डिपॉजिट रहते हैं, और जो बाकी अमाउंट है वो हमें हर महीना अपने बैंक अकाउंट में जमा होता है। तो उसी में ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी होता है। एंड अगर फूडिंग की बात करें तो हमारा राशन हो सब्जी ये सारी चीजें हमें खुद ही देखनी पड़ती है। इसके अलावा अगर किसी और चीज की जरूरत है लाइक कि गैस सिलेंडर हो, बाकी सारी चीजें हो, पानी, जैसे कि कई 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 जगह पे नल वगैरह नहीं होते तो पानी आपको बाहर से मंगाना पड़ता है, तो वो भी चीजें हमें प्रोवाइड की जाती है एडमिन के थ्रू। तो इसमें एडमिन का बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो ये है, अगर कहीं पे ये प्रोग्राम है तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। उसी के साथ ही जैसे हरी ने बोला कि अगर बूट कैंप है, कई और वर्कशॉप्स है, स्टेशनरी की जरूरत है, तो हमें सिर्फ हमारे एडमिन को बताना पड़ता है मेल के थ्रू, तो वो प्रोवाइड करा देते हैं। और अदर अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है तो वो हमें रीइंबर्समेंट प्रोसेस करना पड़ता है। उसके
उसके बारे में भी आपको प्रोसेस बता दी जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको करना होता है। तो ये है तो हरिओम, अभी हमने बहुत सारी जानकारी ली है, तो कुछ बच्चों का ये भी सवाल है जो सिलेक्ट हुए या फिर अप्लाई करना चाहते हैं। हर कोई परमानेंट जॉब, परमानेंट चीजें, सेटल चीजें दिखता है, तो फेलोशिप तो 2 साल का, तो व्हाट आफ्टर 2 इयर्स, मतलब आप अगर बताना चाहोगे कि 2 साल के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होती है। तो जहाँ तक है कि 2 साल के बाद की बात है, तो जैसे कि अब बहुत सारे फेलोज यहाँ से आते हैं और अलग अलग डोमेन, अलग अलग स्किल के साथ, अलग अलग माइंड सेट के साथ, तो जब वो फेलोशिप कंप्लीट करते हैं तो जैसे कुछ हायर स्टडी के लिए भी ये चाहते हैं, तो उनको बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के साथ पिरामल फाउंडेशन का कोलाबरेशन, तो वहाँ पे उनको हायर सेकेंडरी के लिए भी हेल्प मिलता है। और देन यदि कुछ जैसे जॉब को लेके है, तो जैसे जिस हिसाब से फेलो का स्किल होता है, तो प्लेसमेंट सेल पिरामल फाउंडेशन के द्वारा भी कुछ लगाए जाते हैं, कुछ जो मल्टीनेशनल या नेशनल एनजीओज हैं, तो आके उनको प्लेसमेंट की सुविधा या उनको सीवी प्रिपेयर करने के लिए, तो उनको एनजीओ के साथ या फाउंडेशन के साथ भेजा जाता है कि उनकी किस टाइप का स्किल है, उनके अंदर किस डोमेन में उनका इंटरेस्टेड है काम करने लेके, तो उन्हें प्लेसमेंट के थ्रू, सेंटर के थ्रू उनको भेजा जाता है कि वो अपने स्किल के थ्रू इंटरव्यू बीट करते हैं, तो वो उनको जॉब भी मिल जाता है। और ये कुछ कोई अपना कुछ नया एनजीओ स्टेबल करना चाह रहा है, तो उनके प्रपोजल को लेके कैसे एनजीओ को स्टेबल करें, कैसे हम अलग अलग एनजीओ के साथ कोलाबोरेशन करें, तो ये एक पिरामल के जो अलग अलग लोग एक्सपर्टीज लोग होते हैं, तो उनको भी फेलोज हेल्प करते हैं, जो एलुमनी होते हैं गादी फेलो, वो भी जो गादी फेलो होते हैं उनका हेल्प करते हैं, उनकी मदद मांगी जाती है। तो ये बहुत अच्छा, गादी फेलोशिप कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे फेलोशिप में भी गादी फेलो को मौका मिलता है, जिसमें हाँ अप्लाई कर सकते हैं, उनको जो हमारे एलुमनी होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, उनको प्रिपरेशन करवाते हैं कि कैसे गादी फेलो के बाद कैसे अलग अलग अनेक अनेक फेलोशिप हैं, वो जाके अप्लाई करके फेलोशिप ज्वाइन कर। जी बिल्कुल, तो आपने बोला कि प्लेसमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि आपने कितना वर्क किया है, एंड उसके साथ ही आपने क्या क्या स्किल्स एक्वायर किया है ड्यूरिंग द फेलोशिप, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्किल्स आपने बढ़ाने के लिए फेलोशिप के ओर से क्या प्रोवाइड किया जाता है? स्किल को एक फेलो को स्किल को बढ़ाने के लिए जैसे बहुत सारे अनेक क्लासेस को दिया जाता है, जैसे IBM अभी बहुत सारे फेलो को IBM क्लासेस दिया जा रहा है, जिसमें कि उनको फ्री में सारे कोर्स अवेलेबल है, चाहे वो लीडिंग सेल्फ को लेके हो, सेल्फ ग्रोथ को लेके हो, और लीडिंग इम्पैक्ट को लेके हो, तो बहुत सारे कोर्स अप्लाई हो रहे हैं, उनको प्रोवाइड किया जा रहा है कि जिससे फेलो अपने कोर्स को रजिस्ट्रेशन करते हैं, फ्री में ही रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन क्लास के माध्यम से वो स्टडी कर सकते हैं। और जैसे और भी है कि जैसे अभी बोझ आ गया, बोझ भी कोलाबरेशन एक नीति आयोग का डेवलपमेंट पार्टनर है, उनके साथ कोलाबरेशन करना, उनकी कोचिंग के माध्यम से, और कुछ अनेक अनेक ये जैसे हमारे मल्टीनेशनल एनजीओज हैं, जैसे TIS है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे स्किल कोर्स होते रहते हैं, तो उनके साथ कोलोबरेट करना, फेलोज को फ्री में कोर्स अवेलेबल कराना, तो ये सारे होते हैं। और अलग अलग एक्सपर्ट लोग होते हैं, हमारे एलुमनी होते हैं, उनको भी बीच बीच में लाना, उनको फेलोज के साथ उनके क्या एरिया में इंटरेस्टेड है, तो उनको भी एलुमनी भी हेल्प करते हैं उनके स्किल को लेके, ग्रोथ को लेके। तो ये तो रही ये बात की, जिनको अभी अगर फेलोशिप में प्लेसमेंट
किया है, तो वो लोग कृपया ध्यान दें कि आप लोगों को बहुत वर्क करने की जरूरत है फेलोशिप में आके भी, और बहुत सारे स्किल्स आपको एक्वायर करने की जरूरत है तभी आप प्लेसमेंट ले पाओगे, क्योंकि सभी के सभी फेलोज को प्लेसमेंट नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसी के साथ ही अभी ये तो बात हो रही है, तो हरिओम आपको क्या लगता है कि कौन से लोगों ने फेलोशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए, मोस्ट सुटेबल पर्सन कौन होता है फेलोशिप के लिए? फेलोशिप को लेके अप्लाई करने वाले ऐसे यूथ को जरूरत होती है कि जैसे जो सोशल सेक्टर में इंटरेस्टेड हों और उनको चैलेंज फेस करना, उनके पेशेंस, उनके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि जिससे वो जब आए कहीं भी चैलेंज आए तो उसको हेल्थी ले चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकें और फिर इम्प्लीमेंट कर सकें। और एक ऐसा मेरा सेल्फ मानना होता है कि सोशल सेक्टर में जब काम करने के लिए कोई आता है या कोई फेलोज के लिए आता है तो होता है कि अंदर से निकलना चाहिए कि हाँ हमें सोशल वर्क में जाना है। तो जब अंदर से भाव आती है ना तो हाँ पैशनेट होना, तो फिर वो काफी अच्छा गाड़ी फेलोशिप में सेल्फ ग्रेस से लेके कम्युनिटी ग्रोथ, कम्युनिटी डेवलप, हाँ तो लेके बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट करके जाते हैं। तो मैं सभी जो भी हमारे यूथ हैं, हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, सबको गाड़ी फेलो में इंटरेस्टेड है तो हाँ तो वो भी आए और नए चैलेंज, नए ग्रोथ के साथ, नए माइंडसेट के साथ और अपना एक थॉट लेके आए और गाड़ी फेलोशिप में यदि कुछ भी दो चार लोगों का जिंदगी सुधार कर सके तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो और एक बात कि अभी आपने बोला कि दो चार लोगों की जिंदगी सुधार सके, तो इसको लेकर मैं और आगे बात करना चाहूंगी कि हम अपना होम प्लेस छोड़ के कहीं और किसी अनजान डिस्ट्रिक्ट में जाके कुछ लोगों के लिए कुछ करते हैं और वो लोग जो हमें इतना प्यार, इतना अपनापन देते हैं ना, वो बहुत ही हमारे लिए एक मेमोरेबल थिंग होती है। तो लड़कियों को भी स्पेशली बोलना चाहती हूँ, जो लड़कियाँ अप्लाई कर चुकी है, अप्लाई करने वाली है, सोच रही है कि नहीं हमारा घर छोड़ के हमें पता नहीं कहाँ भेजेंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, तो डोंट वरी, आपके सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है, यहाँ पे आपके लिए कोई किसी प्रकार की मतलब गलत चीजें नहीं होंगी आपके साथ। और एक बड़ी, बहुत बड़ी अच्छी चीज है कि हम अपनी ओर से सोसाइटी के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हरिओम, लास्टली क्या मैसेज देना चाहोगे जो आगे अप्लाई करना चाहते हैं या फिर अभी नेक्स्ट अपकमिंग बैच आ रहा है, बैच 15 लाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? उनके लिए सिर्फ एक छोटा सा मैसेज है, जो अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करें और इसमें आपका कैरियर भी है, कैरियर ग्रोथ भी है। आप फेलोशिप कंप्लीट करने के बाद आपको अनेक अनेक डोमेन में काम करने का मौका मिलेगा और अगर आप हायर सेकेंडरी, हायर स्टडी भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जो अप्लाई कर चुके हैं, जो सेलेक्ट हो चुके हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि वो यदि उनका सिलेक्शन है तो गाड़ी फेलोशिप ज्वाइन करें और सेल्फ ग्रोथ के साथ और पीपल ग्रोथ भी देखें और जाएं और चैलेंज को देखें, चैलेंज को फेस करें और चैलेंज के साथ काम करें तो एक नया एक्सपीरियंस, एक नई मेमोरी उनको मिलेगी और आगे भी सोशल सेक्टर में बहुत अच्छा है, करियर भी है, फ्यूचर भी है। अगर पैशनेट हैं तो आगे बहुत उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने को लेके। और जो भी हमारे प्रोग्राम हैं, चाहे गवर्नमेंट हैं, चाहे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के साथ है, उनको जानने का मौका मिलेगा वो कैसे काम करते हैं और कैसे एक सेंट्रल से लेके, स्टेट से लेके, एक डिस्ट्रिक्ट से लेके और एक पंचायत, मतलब ग्राउंड लेवल तक जाके काम करते हैं, तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा उनको। और एक लीडरशिप
क्वालिटी अपने अंदर बिल्ड करके जाएंगे, बस इतना ही हमारा मैसेज है। जी हरी, तो बस एक लास्ट क्वेरी है, तो कुछ फेलो जो है कि आप मतलब कुछ फेलोज है जो पढ़ाई भी कर रहे हैं या कुछ पढ़ाई करते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो अदर किसी एंट्रेंस एग्जाम, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी बच्चों कि टाइम मिलता नहीं है ऐसा नहीं, अगर आप अच्छे से टाइम मैनेज करो अपना, अच्छे से शेड्यूल बनाओ तो आपको टाइम मिलेगा, आप अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हो, इतना हेक्टिक शेड्यूल नहीं होता है बच्चों का, ना ही मतलब पीएल लोग भी बहुत सपोर्टिव होते हैं आपसे, अगर आपको कुछ आगे करना है तो वो आपको सपोर्ट करते हैं, बट ये टोटली आपके ऊपर है कि आप कैसे टाइम निकालते हो, कैसे एडजस्ट करते हो, कैसे टाइम मैनेज करते हो। तो मैं तो इस पर इतना ही कहना चाहूँगी। हरिओम, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं ऐसे बच्चों के लिए? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बताया है कि टाइम मैनेजमेंट जो हमारी लाइफ का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट वो एक करिकुलम है, यदि आपको टाइम मैनेजमेंट आ गया तो आप लाइफ में कभी भी अनसक्सेस नहीं होंगे, हमेशा सक्सेसफुल होंगे। तो आपको देखना होगा कि आप कैसे अपने टाइम मैनेज कर रहे हैं और कैसे अपने स्टडी कर रहे हैं। हम लोग भी हैं, हम लोग भी स्टडी कर रहे हैं, हम लोग भी आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे जिस स्टेट में रह रहे हैं उसी स्टेट के कम्पिटिटिव एग्जाम को हम लोग भी देखते हैं, तो ऐसा नहीं, बहुत सपोर्ट मिलता है। हमारी जो टीम है ऊपर पीएल पीएम एसपीएम पीडी, तो वो लोग भी हमें अपने ग्रोथ के लिए अपने करियर को लेके बहुत सपोर्ट करते हैं। गांधी फेलोशिप का मतलब जो एक मेमोरीज है या जो सबसे अच्छी जर्नी बोला जाए तो यही है कि उसमें पूरा आपका केवल ग्रोथ देखा जाता है और ग्रोथ पे ही बातें करते हैं। तो आप लोग, एक मेरा छोटा सा मैसेज है आप सबके लिए, आप लोग गांधी फेलोशिप इंटरेस्टेड और माइंडसेट के साथ, ग्रोथ के साथ और नए जोश के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम, आप यहाँ पे आए हमारे साथ बातचीत की। बच्चों के कुछ डाउट्स थे, उनके मन में बहुत उलझनें थी कि ज्वाइन करे ना करे, तो उस पर हमने बहुत सारी बातचीत करके शायद उनके डाउट्स क्लियर हो पाए होंगे मैं आशा करती हूँ। उसके साथ ही हमने तो बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस है उससे या हरिओम से तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड ये हमारा सेकेंड एपिसोड था हमारे इस शो का, फेलोशिप की कहानी फेलो की जुबानी। तो नेक्स्ट हफ्ते हम मिलेंगे किसी नए फेलो के साथ, नई फेलो की कहानी सुनेंगे। अगर आप किसी को रिकमेंड करना चाहते हो या फिर आप खुद आना चाहते हो तो आप में हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। इसी के साथ ही मैं बताना चाहती हूँ कि आप किसी फेलोशिप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्टे अहेड, अपने यूट्यूब चैनल में अलग अलग फेलोशिप के बारे में वीडियोस को डालते ही है। उसके साथ ही हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम बच्चों को मेंटर्स असाइन करते हैं और पूरे एप्लीकेशन से लेकर सिलेक्शन तक की सारी प्रिपरेशन उनको कराते हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बेझिझक आप हमारा जो स्टेप अहेड फैमिली है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जो टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ ही हमारा इंस्टाग्राम भी है एंड लिंक्डइन पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद हरिओम, बाय। धन्यवाद, धन्यवाद आपको।